हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल जैन। आज मैं भारत का कोड प्लस 91 क्यों है उसका रीजन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में आग जलाकर या फिर कबूतर के जरिए सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। बाद में यह काम टेलीफोन से होने लगा। बता दें कि हर देश का अपना एक दूरसंचार कोड होता है। अक्सर आपने किसी भी नंबर को डायल करने से पहले उसके आगे प्लस 91 लगा हुआ देखा होगा। बता दें कि यह हमारे भारत देश का संचार कंट्री कोड है। यह हर देश का अलग होता है, जैसे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कोड प्लस 92 है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का कोड प्लस 91 ही क्यों है? आखिर वो क्या रहस्य है कि हमें यह नंबर मिला है? तो हम आपको बता दें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिला हुआ कंट्री कोड है। चूँकि हर देश को अपनी दूर संचार पहचान जाहिर करनी पड़ती है, ऐसे में ग्लोबल लेवल पर यह कोडिंग प्रणाली बनाई गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीनस्थ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा पूरी दुनिया में चल रही दूर संचार गतिविधियों की निगरानी की जाती है तथा उनके लिए उचित नियम बनाए जाते हैं। ऐसे में हर देश को एक टेलीकॉम पहचान देने के लिए यह कोड बनाया गया है। संबंधित देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही यह कोड बनाया गया है। चूँकि भारत का कोड प्लस 91 है, इसका यह मतलब हुआ कि हम जोन 9 में आते हैं। बता दें कि जोन 9 में केंद्रीय, पश्चिम और दक्षिणी एशिया का हिस्सा आता है, तो इसमें आने वाले सभी देशों के कोड की शुरुआत प्लस 9 से ही होगी। तभी तो हमारा कोड प्लस 91 है, जबकि नेपाल का प्लस 977 है। तो ये था भारत का कोड प्लस 91 होने का रीजन। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।